दोस्तों, रीएजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण फिल्म जो है बॉलीवुड की हिंदी में मूवी आई हुई है, जिसको लेकर के विभिन्न प्रकार के विचारकों और देश में जो है विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसपे अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। और अगर आप एक अभ्यर्थी हैं, एक आप प्रतियोगी हैं, तो आपके लिए जो है इस विवाद के क्या निहितार्थ हैं, यहाँ से अगर सवाल आपके लिए बनता है तो आप किस तरीके से इस पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है। और इस पे इस तरीके के प्रश्न अगर बनते हैं कि द कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर के उठ रहे विवाद के क्या निहितार्थ हैं, या इसको अगर इस रूप में कहा जाए कि अगर आप एक प्रशासक बनने जा रहे हैं तो द कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर उठ रहे विवाद को आप किस रूप में देखते हैं, इस पर आपके एक स्वस्थ विचार की अपेक्षा और की जाती है, आपसे एक स्वस्थ विचार प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। तो आप इस फिल्म के विभिन्न प्रकार के जो है भाग, उसके कंटेंट को लेकर के जो भी प्रतिक्रियाएं अलग अलग स्तरों पर व्यक्त की जा रही है, उसको आप किस रूप में देखते हैं। तो आपको हमने इसके पहले बताया था कि अगर आप किसी भी प्रकार के जो है मुख्य परीक्षा के स्तर पर अगर आप उत्तर लिख रहे हैं, तो आपका लेखन या विभिन्न स्तरों पर अगर आपके विचार व्यक्त किए जा रहे हैं, तो वहां पर आपके विचार जो है बेसिकली लोकतांत्रिक, संवैधानिक, संसदीय, नैतिक और मानवीय आधार पर जो है प्रस्तुत होने चाहिए। हम इस प्रश्न को और इस स्थिति को कुछ इन्हीं बातों के पृष्ठभूमि में देखने, विश्लेषण करने और एक निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस के जो फॉर्मेट को जो है बनाएं कि इसका क्या फॉर्मेट जो है बनता है, तो इसमें हम सामान्य परिचय लिखते हैं, फिर थोड़ा सा इसमें विषय के जो है विवेचना करते हैं। अगला है कि इसके बारे में हमारे संविधान के अंतर्गत जो है किस तरीके की व्यवस्था की गई है। हम इस प्रश्न का उत्तर लिखने में जो है संवैधानिक जो प्रावधान है उनको भी जो है आधार बना सकते हैं, या उसके आधार पर एक निष्कर्ष पर पहुंचने में हमें जो है आसानी हो सकती है। दूसरा, इसके बाद जो है हम एक निष्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे। ये जो है आपके उत्तर लिखने के आधार हो सकते हैं, सामान्य परिचय, विषय की विवेचना, संविधान के प्रावधान और निष्कर्ष। द कश्मीर फाइल्स जो है वो विवेक अग्निहोत्री के द्वारा लिखित और निर्देशित जो है हिंदी फिल्म है, जिसमें कश्मीर को एक विषय वस्तु बनाया गया है। उस विषय के आधार पर ये फिल्म बनाई गई है। बेसिकली ये फिल्म जो है वह कश्मीर में रह रहे जो है हिंदू या कश्मीरी पंडित, इनको लेकर के जो है बनाई गई है, उनके जीवन पर आधारित ये जो है एक फिल्म है। तो यह जो है एक सामान्य परिचय इसका जो है बनाता है, द कश्मीर फाइल्स का जो है सामान्य परिचय बनाता है कि हम इसमें जो है उस फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, किस विषय पर बना गया है, भारत के किस क्षेत्र पर जो है आधारित ये फिल्म है, इसके बारे में जो हम एक सामान्य परिचय भी बनाएंगे। एक और चीज इसमें हम बता देते हैं, जो फिल्में जिन विषयों पर बनाई जाती है उसको पटकथा लेखक, पटकथा कहा जाता है, इसको अंग्रेजी में स्क्रिप्ट भी कहते हैं, और इसके जो लेखक होते हैं वो पटकथा लेखक और स्क्रिप्ट राइटर उसको जो कहा जाता है, जो कि यहाँ पर विवेक अग्निहोत्री हैं, जिनके द्वारा इस विषय पर जो है लेखन कार्य किया गया है और पुनः इसका जो निर्देशन किया गया है। तो यह जो है इसका एक सामान्य परिचय बनता है कि किसके द्वारा निर्देशित फिल्म है, वो फिल्म जो है भारत के किस क्षेत्र पर आधारित है, वहां किन विषयों को इसमें लिखा गया है। विषय की विवेचना के अंतर्गत जो है आप आते हैं, तो आप ये देखेंगे कि यह कश्मीर के जो है हिंदू या कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो है बनाई गई यह फिल्म है, वहां पर उनके जीवन और विभिन्न प्रकार के जो है वर्ग और धर्म के लोगों के बीच में किस तरीके की जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और किस तरीके से उसमें जो है प्रगति हुई है, समय के साथ जो है उसका जो तनाव है वो स्तर बढ़ता गया है, इस चीज को जो दिखाने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। दूसरी तरफ उनमें तनाव बढ़ता है, बीच बीच में पत्थरबाजी होती है, झड़पें होती हैं, और एक ऐसी परिस्थिति आती है कि तनाव और संघर्ष इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वहां से कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ता है, यानी कि उनको विस्थापित होना पड़ता है। ये सारी कहानी जो है
ये सारी बातें जो है इस फिल्म के जो है इस पार्ट में जो है दिखाने का प्रयास किया गया है। संवैधानिक प्रावधान हमारा क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 25 से लेकर के 28 के बीच में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, जिसमें भारत के प्रत्येक व्यक्ति और नागरिक को जो है किसी भी धर्म का जो है पालन करने, उसके अनुसार आचरण करने की आजादी और स्वतंत्रता दी गई है, बशर्ते वह ऐसा करते हुए दूसरे धर्म में कोई हस्तक्षेप न करे या वहां पर कोई तनाव उत्पन्न करने का प्रयास न करे, जबरन कोई धर्म परिवर्तन कराने का कोई प्रयास न करे। यानी कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 से लेकर के 28 ये भारत के सभी लोगों को एक सामान्य तरीके से जीवन यापन करने के लिए और धार्मिक मूल्य और मान्यताओं को अपने अनुसार जो पालन करने की जो आजादी और स्वतंत्रता देता है, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो है वर्ग के विभिन्न पंथ और धर्म के लोग अपने अपने तरीके से जीवन यापन कर सकते हैं, किसी को दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रह जाता है। अब हम इन बातों के जो है पृष्ठभूमि में इस विषय वस्तु का जो है अगर विश्लेषण करें तो निश्चित तौर पर कश्मीर जो कि भारत का एक जो है महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है, वहां पर चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो सिख हो किसी भी प्रकार के धर्म के या पंथ के लोग अगर रहना चाहते हैं तो भारत का संविधान इस तरीके की बात और ऐसा प्रावधान करता है कि वो अपनी बातों को अपने धार्मिक मान्यताओं को मानते हुए अपना जीवन यापन शांतिपूर्वक कर सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं। इन्हीं बातों की पृष्ठभूमि में ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि इस तरीके के धार्मिक आधार पर जो है या किसी जाति और किसी वर्ग के साथ जो है इस तरीके का व्यवहार किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उनके ऊपर अटैक किया जाता है, उनसे झड़प किया जाता है, उनके ऊपर पत्थरबाजी की जाती है, तो वो निश्चित तौर पर भारत की संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आप जो है इस बात के आधार पर निकालेंगे जो है एक निष्कर्ष। अंत में जो है आप यहां पर आते हैं निष्कर्ष लिखने के लिए, तो आपको ये बताना होगा कि निष्कर्षता द कश्मीर फाइल्स मूवी के माध्यम से भारत के एक महत्वपूर्ण और अभिन्न भाग कश्मीर में रह रहे एक विशेष वर्ग के लोग यानी कि कश्मीरी पंडितों पर यह फिल्म बनाई गई है। फिल्में हमेशा किसी विषय पर बनती हैं और यह फिल्म भी एक विषय पर बनी हुई है, तो हमें उस फिल्म को फिल्म की भावना के अनुसार लेना चाहिए और विभिन्न प्रकार के वर्गों को, विभिन्न प्रकार के विचारकों को, विभिन्न लोगों को ऐसा कोई भी जो है रिएक्शन नहीं देना चाहिए, ऐसी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहिए जिससे इतिहास में घटी हुई किसी भी घटना के आधार पर आज के समय में हमारा जो स्वस्थ परिवेश है उसमें किसी तरीके के डिस्टर्बेंसेज हो, उसमें किसी तरीके के जो है उथल पुथल होने की संभावना हो। और दूसरी तरफ जो है फिल्मों में इस तरीके के जो विषयों पर बहुत ही संतुलित विचार जो है प्रस्तुत करना चाहिए ताकि किसी भी धर्म वर्ग जाति के साथ जो है किसी तरीके का ना तो अन्याय हो सके और ना ही जो है उसके आधार पर वर्तमान समय में जो है शांतिपूर्वक व्यवस्था जो है वो डिस्टर्ब हो सके। तो कुल मिलाकर के आप एक अभ्यर्थी के रूप में द कश्मीर फाइल्स में जो एक सामान्य परिचय जो है के रूप में चीजें बताएंगे, इसके बाद जो है विषय की विवेचना में जो है आप विषयों के साथ बिना किसी छेड़छाड़ के उन चीजों को रखेंगे, पुनः संवैधानिक व्यवस्था के क्रम में आप चीजों को बताएंगे कि भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है, भारत की जो राजनीतिक मूल्य है, भारत की जो नैतिक व्यवस्था है वो किस तरीके के विचारों को, किस तरीके के विषयों को मान्यता देता है और इसके आधार पर अगर किसी एक वर्ग विशेष के साथ धर्म और जात के आधार पर कोई भी विभेद किया गया है तो आप इस चीज को दिखाएंगे कि ये चीज जो है उचित नहीं है। और अंत में इस बात को निष्कर्ष के रूप में रखेंगे कि फिल्मों को फिल्मों की भावना के रूप में लेने की आवश्यकता है और विभिन्न विचारकों को, लेखकों को, राजनीतिज्ञों को ऐसे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए जिससे कि इतिहास में घटी किसी भी घटना के कारण से आज का सौहार्दपूर्ण जीवन जो है वो खराब हो सके। और इसी तरीके से फिल्मों को भी जो ऐसे संवेदनशील विषयों पर जो है फिल्में बनाते समय उन विषयों को बहुत ही सावधानी के साथ, संतुलन के साथ रखना चाहिए ताकि इतिहास में घटी किसी घटना के साथ या कारण से जो है आज के जो है सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब होने से बचाया जा सके। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो द कश्मीर फाइल्स को लेकर के विभिन्न स्तरों पर जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें आप एक स्वस्थ विचार जो है प्रस्तुत करने में सफल होंगे। यही भारत की संवैधानिक व्यवस्था है और यही भारत की जो संस्कृति, यही भारत की जो है नैतिक, राजनैतिक और जीवन प्रणाली का एक मूल्य है। इन्हीं बातों के आधार पर आप अपने उत्तर का लेखन पूरा कर पाएंगे और इसी तरीके की जो सोच आपको अपने हर प्रकार के जो है
प्रश्नों के साथ भी जो है विकसित करना है और अपने जीवन प्रणाली में भी कमोवेश इसी प्रकार के विचार को जो है एडॉप्ट करना होगा, इसी के आधार पर उत्तर लिखने का जो है प्रयास करना होगा। तो अगर आप इस तरीके से एक स्वस्थ विचार और का जो विकास करेंगे तो निश्चित तौर पर अपने हर प्रश्न के साथ आप निश्चित तौर पर न्याय करने में सफल होंगे और आपका उत्तर प्रभावी होगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर के उठ रहे जो विवादों पर आपका एक स्पष्ट दृष्टिकोण बन पाया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले टॉपिक पर इसी तरीके से किसी महत्वपूर्ण जो है टॉपिक को लेकर के हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।